सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने MIUI के किसी भी रोम में iOS के जैसा रिसेंट स्टाइल इनेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए विथ मैजिस्क और आप किसी भी रोम में इंस्टॉल कर सकते हो। बस आपको ये वाला फाइल फ्लैश करना पड़ेगा, MIUI लॉन्चर मोड बाय सिंपोलो। तो इसको फ्लैश करने के लिए आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी है और ये आपको सभी ग्लोबल और चाइना बीट या फिर EU बेस्ड जो भी रोम है सभी में काम करेगा। तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फाइल का लिंक दे दिया, आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको मैजिस्क ऐप ओपन करना है, फिर आपको मॉड्यूल वाले सेक्शन में जाना है, फिर आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाना है और वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपने इस फाइल को डाउनलोड करके रखा है और उस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपको ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा कि iOS वाला रिसेंट स्टाइल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको वॉल्यूम डाउन दबाना है, यस पे करना है वॉल्यूम डाउन दबा के। फिर आपको ये पूछेगा कि आपको जो नया वाला जो ऐप वॉल्ट आया वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको वॉल्यूम प्लस दबाना यस चाहिए। उसके बाद से आपको फटाफट से ये फ्लैश हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फिर आपको नीचे रिबूट का बटन दिख जाएगा, फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको अपना फ़ोन रिबूट कर लेना है रिबूट पर क्लिक करके। फ़ोन रिबूट हो जाने के बाद आपको होम स्क्रीन में कुछ चेंज नहीं दिखेगा, पर आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे फिर सेटिंग में जाओगे होम स्क्रीन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको जाना है, आपको देख सकते हो अरेंज आइटम्स इन रिसेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी डिफॉल्ट ही दिखेगा। पहले तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर आपको वर्टिकली से इसको हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। वापस से आपको बैक जाना है और फिर से आपको वैसे ही सेटिंग में ओपन करना है जैसे आपने लॉन्ग प्रेस करके ओपन करा था होम मेन्यू का सेटिंग। तो फिर उसके बाद जैसे आप दोबारा से उसी वाले सेटिंग में जाओगे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हॉरिजॉन्टली आपको सिलेक्टेड रहेगा, फिर आपको दिख जाएगा रिसेंट स्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको iOS सेलेक्ट कर लेना है, बस हो गया आपका iOS स्टाइल में रिसेंट। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक और चीज़ इसमें नया आया है जो कि फोल्डर ब्लर से रिलेटेड। तो आपको देख सकते हो फोल्डर बाउंस इफेक्ट, फोल्डर ब्लर और कंप्लीट ब्लर, इसको आपको इनेबल कर लेना है। फिर आपने अगर होम स्क्रीन पे फोल्डर बना रखा होगा तो आप अगर जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक बाउंसी इफेक्ट दिखेगा और आपको बैकग्राउंड पूरा ब्लर होकर आएगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना और ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।